कट गया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। हेलो चारू, कौन बोल रहा है? अपना नाम बताओ। वो कौन तुम? नाम से क्या लेना देना, पहले ये बताओ कि तुमने फोटोज देखी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। हम देखते हैं। ससुर जी, आप फोन नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि ये फोन हमारे लिए है। तुम्हें कैसे पता? इस फोन में कॉलर आईडी नहीं है। हमारा भी फोन इस समय आने वाला है, शायद वही हो। हमें पक्का यकीन है कि ये फोन हमारे लिए है। हेलो। हेलो चारू, अच्छा किया तुमने ही फोन उठा लिया, नहीं तो। वैसे हाल क्या है? मतलब ठीक है चारू, तुम बिजी तो नहीं ना? मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं नहीं, बोलिए आप। अच्छा तो एक काम करो, वो जो बरगद का बड़ा सा पेड़ है ना पुराने मंदिर के पास, मुझे वहां मिलो अभी। अभी? लेकिन अभी तो अंधेरा होने वाला है। डार्लिंग, अगर तुम्हें फोटोज चाहिए तो अभी के अभी मिलना होगा, नहीं तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हारे घर पे भेज देती हूँ। नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, अब रुकिए, हम आते हैं। सिर्फ आधा घंटा, उसके बाद ना मैं मिलूंगी और ना तस्वीरें। बाय। बस रखिए, हम पहुँच रहे। किसी ने कुछ पूछा तो कहते हैं कि शॉपिंग के लिए जा रहे हैं दोस्तों के साथ। जाना तो बहुत जरूरी है। कहीं वो फोटोज घर पहुंच गई तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। इन्हें फोटोज आई कहां से, खींची किसने होगी? कहीं कोई घर से तो नहीं? हो सकता है। हमने कुछ नहीं किया। मयंक जी, आप क्या हुआ चारू? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ऑल गुड? हाँ हम ठीक है मयंक जी। कुछ ढूंढ रही थी क्या? कमरे की ऐसी हालत, सब ठीक तो है ना चारू? हाँ, वो हम सफाई कर रहे थे। सफाई?
हाँ वो बिस्तर गद्दा हो रहा था ना, तो हमने सोचा उसको ठीक कर देते इसीलिए, और आप अचानक से आ गए, हम डर गए थे। कहीं जा रही हो क्या? ये बैग? नहीं, हाँ वो हमारी दोस्त का ना कॉल आया था, उसको शॉपिंग पे जाना है, तो वो कह रही है साथ चलने के लिए, बस हम आधे घंटे में आ जाएंगे। शॉपिंग? लेकिन चारू शॉपिंग के लिए तो काफी लेट हो चुका है ना, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, हमारा मतलब है मैं जी, आप क्यों तकलीफ करते, वो हमारी दोस्त गाड़ी भेज रही है, हम उसी की गाड़ी में जाएंगे और वो वापस ड्रॉप भी करवा देगी, हम बस यूं गए और यूं आए और कमरा आके समेट देंगे, प्रॉमिस। हाँ तुमने राजीव सर को इनविटेशन कार्ड दिया? अरे राजीव सर को? उन्हें देना तो हम भूल ही गए, लेकिन टेंशन मत लो, हम उन्हें कल दे देंगे। वैसे कुंचन, ये जो फ्रेशर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन चल रहा था ना, तब पता नहीं हमें से क्यों लगा कि राजीव सर तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा ही पार्शल थे, इनफैक्ट पार्शल से भी कुछ ज्यादा थे, हमें तो थोड़ा दिल का मामला लग रहा था। राजीव सर की छोड़ो, आजकल विहान किसी का दीवाना हो गया है, मतलब दिल और दिमाग से फुल टॉस हो गया हमारे रचना के पीछे। क्यों? कॉलेज में तुम्हारे आगे पीछे ही घूमता रहता है। अच्छा तुम भी ना, आवारा जो है और फ्लर्ट नंबर वन, हमारे साथ क्या, सभी लड़कियों के साथ भी यही करता होगा और घर जाकर सब कुछ भूल जाता होगा, और वहां होगी उसकी गोपियां। विहान देखा कैसे कृष्ण कन्हैया घर जाके भी अपनी इस गोपी को नहीं भूले, मोबाइल फोन पे कैसे उनकी बंसी बज रही है। उठाओ उठाओ, मैं 2 मिनट में आई। ठीक है। क्या है? रात है और मैं चांद तारों को देख रहा हूँ। मैं तारों को देख रहा हूँ क्योंकि मेरा चांद तो गर्भ निवास में है। तुम्हारी ऐसे बकवास के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सीधे सीधे मतलब पे आओ। तुमने फोन क्यों किया है? ये बताने के लिए तो कल मैं आ रहा हूँ ना, सिंस मुझे भी इनविटेशन दिया गया। क्या तुम आ रहे हो? विहान ये फैमिली फंक्शन है और तुम्हें आने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना शादी में आने की जरूरत है। लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। कभी नहीं। ओके ठीक है, तो मैं फिर कल मिलता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं ठीक है, हम चलेंगे। That's like a good girl. Okay, bye. Hey, भगवान, अगर ये फोटो किसी ने देख ली तो हम तो मारे जाएंगे। लेकिन ये फोटो खींच कौन सकता है? कौन हमारे साथ ऐसा कर रहा है? तुम भाभी कुछ चाहिए था तुम्हें? क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान और घबराई हुई लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? शाम से कुछ तबीयत ठीक नहीं है आपकी, है ना? नहीं रचना, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो एक्चुअली गर्मी बहुत हो गई है ना, इसीलिए बस। भाभी कल कुंचन की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले, बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार भी आने वाले। पिछले दिनों घर में जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर एकदम उत्साह के साथ रस्मों में भाग लीजिए ना, प्लीज शर्माइएगा नहीं, हम होंगे ना आपके साथ। जरूर लेंगे हिस्सा, तुमने हमसे कह दिया वाली उतना ही काफी है। थैंक यू सो मच रचना। यू आर मोस्ट वेलकम भाभी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।